उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ दिन व दिन हो रही पुलिस कार्रवाई से बदमाशों में खौफ पैदा हो गया। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम शिमला ठेर मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और बदमाशों के बीच अचानक मुठभेड़ शुरू हो गई और जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश सहित एक पुलिस का जवान गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है घायल बदमाश अकबर लंबे समय से बदायूं व कुंदरकी की जलालपुर में हुई ट्रक चालक से लूट के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपी बदमाश पर लगभग 31 मुकदमे लूट, हत्या व डकैती के दर्ज हैं। पुलिस काफी दिन से बदमाश अकबर की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस जैसे ही बदमाशों को शिमला ठेर के जंगल में दबोचने पहुंची, तभी पुलिस को आता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुंदरकी थाने में तैनात एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसको पुलिस ने दबोच लिया। दूसरा बदमाश मौका मिलते ही ईक का सहारा लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच यह एनकाउंटर लगभग 2 घंटे जारी रहा। फिलहाल घायल सिपाही व बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से बदमाशों में खौफ पैदा हो गया। Smart sound. Smart sound. Smart sound. अभी भी